सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है पंजाबी क्लास चैनल दे विच। सो दोस्तों, आप सब नू पता ही होगा जिहड़े साडियां लगातार वीडियो देखते हैं कि असी एक सीरीज शुरू की हुई है दसवीं जमात के विद्यार्थियों के लिए। असी उन्हां दे लई लैके आ रहे हाँ उन्हां दी जिहड़ी इंग्लिश की बुक है मेन कोर्स बुक, उहदे विचों जिन्ने भी चैप्टर हैं जिन्ने भी पोइमां हैं सारियां असी लैके आ रहे हाँ, ठीक है जी। सो अज असी करांगे उन्हां दा चैप्टर तीजा जिहड़ी कि पोइम है करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। सो जिहड़े इस वीडियो नूं पहली बारी देख रहे हैं उन्हां नूं जानकारी लई असी दसना चाहुंदे हाँ, इस तो पहले दो चैप्टरां ते बनी वीडियो नूं देखण लई हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक दिता गया है। इस तो इलावा जेकर तुसीं इस सारे दे सारे चैप्टर नूं आराम नाल बैठ के डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स च लिंक दिता गया है। तो इस तो बाद वाले भी चैप्टर चौथा पंजवां छेवां जेकर तुसीं पढ़ना चाहते हो तो साडी वैबसाइट है www.thepunjabiclass.com, उत्थे जाके तुसीं सारे दे सारे चैप्टर उत्थों देख सकते हो। खासियत यह है इहदे विच जिन्ने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे दे सारे तुहाडे लई असीं पंजाबी दे विच अनुवाद करके लेके आए हाँ जी। आ क्वेश्चन भी अनुवाद किए हुए हैं तो जिहड़े उन्हां दे आंसर है उन्हां दा पंजाबी च अनुवाद किया होया यानी कि ट्रांसलेशन किया होया है तां जो तुहानूं पढ़न दे विच सौखा रहे भी इह क्वेश्चन दा मतलब की है तो आंसर दा मतलब की है। कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ अजिहे वर्ड आ जाते हैं जिन्हां दे विच दिक्कत आ जाती है। सो ये जिहड़ी चीज़ है असी पहली बारी की है, ठीक है जी। इस तो पहला असी कभी भी किसी यूट्यूबर या किसी वैबसाइट पर यह चीज़ नहीं देखी है, ये सिर्फ असी थोड़ी सहूलत लैके आए हाँ, ठीक है जी। सो दोस्तों जेकर थोड़ी चंगी लगे तो हेठा सानू कमेंट करके जरूर दसना किस तरह का लग्या, ठीक है जी। सो पहली वीडियो जरूर देख लियो, वैबसाइट है एक बार साड़ी फिर मैं दस दिंदा www.thepunjabiclass.com, उत्थे तुसीं इस तो पहले चैप्टर इस तो बाद वाले चैप्टर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो आओ शुरू करते हाँ PSEB 10th क्लास इंग्लिश चैप्टर 3 करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। सो सब तो पहला करांगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन द पोएम, कवि इस कविता विच की कहना चाहुंदा है। आंसर द पोएट वांट टू से दैट वी शुड बी ऑनेस्ट इन अवर थॉट्स इफ वी वांट टू बी अ हैप्पी, वी शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी, वी शुड नॉट बी अ स्लेव ऑफ पैशन, वी शुड बी कंटेंट विद वट एवर लिटल वी हैव। यदि हम पंजाबी मैं थानू नाल अनुवाद करता हाँ, वैसे इतने लिखा भी होया है, यही खासियत है ताकि थानू आंसर चंगी तरह पता लग सके। सो पढ़ते हाँ कवि यह कहना चाहता है कि जेकर असी खुश रहना चाहते हाँ तो सानू अपने विचारों विच ईमानदार होना चाहिए है, सानू ईरखा तो मुक्त होना चाहिए है, सानू जनून के गुलाम नहीं बनना चाहिए है, साढ़े कोल जो भी थोड़ा है उस विच सानू संतुष्ट रहना चाहिए है। तो बच्चों इस तरह ट्रांसलेट की है। हुण देखो तुसी क्वेश्चन आंसर पढ़िया है, थानू बड़े आराम दे नाल इहदा पूरे का पूरा मतलब भी पता लग गया है, ठीक है जी। सो अगे वधदे हैं नंबर दो क्वेश्चन वाल। राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता के केंद्री या मुख्य विचार उत्ते एक नोट लिखो। आंसर दिस इज़ अ वैरी ब्यूटीफुल पोएम, इट गिवस अ वैरी गुड मैसेज, अ हैप्पी मैन इज ए होनेस्ट, ही इज़ ट्रुथफुल, ही हैज़ अ फेथ इन गॉड। यह बहुत खूबसूरत कविता है, यह बहुत वधिया सुनेहा दिंदी है, यह खुश आदमी ईमानदार हुंदा है, वह सच्चा है, उसनू रब विच विश्वास है। अगे नंबर तीन राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन यूअर ओन वर्ड, कविता का संखेप अपने शब्दों के विच लिखो। आंसर द पोएम गिवस द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी परसनस लाइफ, सच ए परसन लीड्स ए ऑनेस्ट लाइफ, He is jealous of none. He is content with whatever little he has. He is not a slave of passion. He follows the path of goodness. ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਨੂਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 4 ਕੁਐਸਚਨ Explain the lines whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਤੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ One who want to be a truly happy is honest in his thought. He does not need any armor of his defense. His honest thoughts are his best defense. He has not the master any skill. He
हिज ट्रूथफुल सिंपलीसिटी इज हिज बेस्ट स्किल। पंजाबी पढ़ते हाँ, जिहड़ा व्यक्ति सचमुच खुश होना चाहता है वह अपने विचारों में ईमानदार है, उसनों अपनी रक्षा लई किसी हथियार की लोड़ नहीं है, उसके ईमानदार विचार उसका सब तो वधिया बचा हैं, उसनों किसी हुनर विच महारत हासिल करनी नहीं पैंदी, उसकी सच्चाई सादगी उसका उत्तम हुनर है। सो बच्चों देखो हम ट्रांसलेट किया है, तुहानू बड़ी आसानी दे नाल पता लग गया होएगा भी उपर की क्वेश्चन सी ते उहदा की आंसर बनिया है। नंबर पांच, हाउ डज अ मैन बिकम रियली हैप्पी, एक आदमी असल विच खुश किवें हुंदा है। आंसर, अ मैन कैन बिकम रियली हैप्पी बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गुडनेस, ही नोज नो जेलसी, ही इज ऑनेस्ट इन हिज थॉट, ही इज नॉट अ स्लेव ऑफ पैशन, ही इज कंटेंट विद वट एवर लिटल ही हैज। मनुख नेकी दे नियमां दी पालना करके सचमुच खुश रह सकता है, वह कोई ईरखा नहीं जानता, वह अपने विचारों विच ईमानदार है, वह जनून का गुलाम नहीं है, उस कोल जो भी थोड़ा है वह उस विच संतुष्ट है। नंबर छे, हाउ डज अ रिलीजियस बुक और ए फ्रेंड गिव हैप्पीनैस, धार्मिक पुस्तक या दोस्त सुख किवें दिंदे हन। आंसर, रिलीजियस बुक इज लाइक अ फ्रेंड एंड फ्रेंड इज लाइक अ रिलीजियस बुक, बोथ ऑफ दैम कीप अस ऑन द राइट पाथ, दे स्टैंड बाय अस इन द लोनलीनैस, दे गिव अस हैप्पीनैस ऑफ द प्योरेस्ट काइंड। एक धार्मिक किताब एक दोस्त वर्गा है ते एक दोस्त एक धार्मिक किताब वर्गा है, ये दोवें सानू सही रस्ते ते रखते हैं, ये साड़ी कलता विच साड़ी नाल खड़े हैं, वो सानू सब तो शुद्ध किस्म की खुशी देंदे हैं। नंबर सात, हाउ डज अ कंटेंटेड मैन हैव ऑल विदाउट हैविंग एनीथिंग, संतुष्ट आदमी कोल कुछ भी नहीं होने के बावजूद सब कुछ किवें है। आंसर, ए कंटेंटेड मैन हैज़ नो होप टू राइज और फीयर ऑफ फॉल, ही रिमेन कंटेंट विद वट एवर लिटल ही हैज़, ही मे नॉट बी द मास्टर ऑफ लैंड बट ही इज द मास्टर ऑफ हिज डिजायर, दज ही बिकम द मास्टर ऑफ ऑल दो ही मे नॉट हैव एनीथिंग। संतुष्ट मनुख नू उठन दी कोई आस या डिगन का डर नहीं होता, उस कोल जो भी थोड़ा है वह उस विच संतुष्ट रहिंदा है, वह जमीना का मालक नहीं हो सकता पर वह अपनी इच्छावां का मालक है, इसी तरह वह सब का मालक बन जाता है भावें उस कोल कुछ भी नहीं है। सो बच्चे हुण देखो मैं सारा नां नाल पंजाबी दे विच पढ़ रहा, उम्मीद है थानू आसानी दे नाल समझ लग रहा होगा कि की क्वेश्चन है की आंसर है। ठीक है जी, सुन करते हैं इस लैसन दे विचों वैरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी, नंबर वन, हू रोड द पोएम करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन कविता किसने लिखी। आंसर है सर हैनरी वॉटन ने। नंबर दो, वट इज़ द आर्मर ऑफ हैप्पी मैन, एक खुश आदमी का शस्त्र की है। आंसर, या कवच की है, कवच इतने ज़्यादा वधिया है। ठीक है जी, आंसर हिज ऑनेस्ट थॉट्स, उसके ईमानदार विचार। नंबर तीन, वट डज अ हैप्पी परसन नॉट केयर अबाउट, खुशहाल व्यक्ति किस चीज़ की परवाह नहीं करता। आंसर, वर्डली फेम और पीपल्स ओपीनियन, दुनियावी प्रसिद्धि या लोगों के विचार। नंबर चार, वट इज़ ए ट्रूली हैप्पी मैन कंटेंट विद, एक सचमुच खुश आदमी किसी चीज़ विच संतुष्ट किस चीज़ विच संतुष्ट होंदा है। आंसर, विद वट एवर लिटल ही हैज़, उस कोल जो भी थोड़ा है उस नाल। सो अगे वधदे हाँ, सो दोस्तों हुण करांगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि स्टेंजा करांगे, जिन्हें भी स्टेंजे हैं पोएम दे वो सारे करांगे। ठीक है जी, सो दोस्तों असी इहदे विच स्टेंजे की तो ट्रांसलेशन की हुई है, अनुवाद किया हुआ है पंजाबी दे विच, पर इहदे विच वर्ड टू वर्ड हर शब्द का अनुवाद इहदे करदा हां, हर वारी उहदा उह मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जिहड़ी कविता हुंदी है समझाउण दे विच ज़्यादा आसान हुंदी है, इहनूं ट्रांसलेट करना मुश्किल हुंदा है। सो जे तुसीं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो इहदा कुछ होर मतलब बन जाता है। ठीक है जी, पर फिर भी असी करके लैके आए हाँ ता जो जिन्ना भी हो सके तुहानू उस स्टेंजे दा उपर जिहड़ा प्रसंग है उहदा कुछ ना कुछ पता लग सके भी ये है की। ठीक है जी, सो शुरू करते हाँ। नंबर पहला, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सैवंथ नॉट अनदर विल, हूज़ आर्मर इज़ इज़ ऑनेस्ट थॉट्स एंड सिंपल ट्रूथ हीज़ अटमोस्ट स्किल।
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਉਸਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਓ ਹੈਪੀ ਈਜ਼ ਹੀ ਬੋਰਨ ਔਰ ਟੋਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਏਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਂਸਰ, ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਵਾਟਨ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਆਦਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਵੀ ਹਨ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਵਾਟਨ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਮਰ ਆਫ ਅ ਹੈਪੀ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਕਵਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਸਰ, ਦਾ ਆਰਮਰ ਆਫ ਅ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਹੋਨੈਸਟ ਥੋਟਸ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕਵਚ ਉਸਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਅਟਮੋਸਟ ਸਕਿੱਲ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਸਰ, ਹਿਜ਼ ਅਟਮੋਸਟ ਸਕਿੱਲ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਟਰੁੱਥ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਹੂਜ਼ ਪੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਆਰ ਹੂਜ਼ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਸਟਿੱਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫੋਰ ਡੈਥ ਅਨਟਾਈਡ ਅਨ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਕੇਅਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫੇਮ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬ੍ਰੈਥ। ਜਿਸਦਾ ਜਨੂਨ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨੂਨ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨੂਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਨੋਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਆਂਸਰ, ਇਹ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਡੈਥ, ਸੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਨੋਟ ਸਲੇਵ ਆਫ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਂਸਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਲੇਵ ਆਫ ਪੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਵਟ ਡਜ਼ ਅ ਟਰੂਲੀ ਹੈਪੀ ਪਰਸਨ ਨੋਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਂਸਰ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵਰਲਡਲੀ ਫਰੇਮ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਹੂਜ਼ ਐਨਵੀਜ਼ ਨਨ ਹੂਜ਼ ਚਾਂਸ ਡੌਥ ਰਾਏ ਰੇਜ਼ ਨੋਰ ਵਾਈਸ ਹੂ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਹਾਊ ਡੀਪੈਸਟ ਵਾਊਂਡ ਆਰ ਗਿਵਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਨੋ ਰੂਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਟ ਰੂਲ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਰ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੈਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਆਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਰ ਰੂਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਟ ਰੂਲ ਆਫ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜੈਕਟ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਪਰਸਨ ਐਨਵੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
आंसर है हैप्पी परसन एनवीज नो बडी, खुशहाल व्यक्ति किसी नाल ईरखा नहीं करता। नंबर दो, हाउ डज अ हैप्पी परसन नॉट अंडरस्टैंड, एक खुशहाल व्यक्ति की नहीं समझता। आंसर, ही डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ डीपेस्ट वाउंड आर कॉस्ड बाय फॉल्स प्रेज, उसनु समझ नहीं आउंदी कि झूठी सिफत सलाह नाल किन्ने डूंगे जख्म होंदे हन। नंबर तीन, हाउ डज अ ट्रूली हैप्पी परसन रूल ओवर, एक सचमुच खुश व्यक्ति किस उत्ते राज करता है। आंसर, अ ट्रूली हैप्पी परसन डज नॉट रूल ओवर एनी स्टेट, ही रूल ओवर अदर बट रूल ओवर अदर नॉट बाय वर्च्यू ऑफ एनी पोलिटिकल पावर बाय द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, एक खुशहाल व्यक्ति किसी राज उत्ते राज नहीं करता, वह किसी राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं बल्कि अपने दिल की डूंघाई द्वारा दूजियां उत्ते राज करता है। सो बच्चो जी पैरे की आखिरी लाइन है इतने क्लीयर हो जाती है, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन जोड़े दते हैं इसलिए हम कि सू उपर क्लीयर हो जाए, ठीक है जी। सो मैं फिर कर दिता हाँ, जो स्टैंजे की पंजाबी करते हैं वर्ड टू वर्ड जी करनी है इतने मुश्किल है, क्योंकि जे समझा हो समझाण बहुत वीड्डी हो जाती है, ठीक है जी। सो इस चीज़ में थोड़ा इग्नोर करके चलना, थोड़ी क्लास के टीचर जरूर थानू समझाते हो। नंबर चार, हू गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट ऑफ लैंड एंड एंटरटेन्स द हार्मलैस डे विद अ रिलीजियस बुक और अ फ्रेंड, जिसनों रब देर नाल अते जल्दी प्रार्थना करते हैं उधार देन लई तोहफे नाल उसकी कृपा अते नुकसान रहत दिन का मनोरंजन करता है किसी धार्मिक किताब या दोस्त नालों। सो बच्चे थले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपर थानू अपने आप क्लीयर हो जाएगा पूरे का पूरा स्टैंजा है कि। नंबर वन, वट डज अ हैप्पी मैन प्रे फॉर, एक खुश आदमी किस लिए प्रार्थना करता है। अ हैप्पी मैन प्रे फॉर गॉड्स ग्रेस, ही डज नॉट प्रे फॉर एनी वर्डली गिफ्ट, एक खुशहाल मनुख परमात्मा की कृपा लिए प्रार्थना करता है, वह किसी दुनियावी दाता लिए अरदास नहीं करता। नंबर दो, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हार्मलैस डे, तुसी हानिकारक दिन शब्द द्वारा की समझते हो। आंसर, इट मीन द हार्मलैस एक्टिविटी ऑफ द डे, इसका अर्थ है दिन दियाँ हानिकारक गतिविधियां। नंबर तीन, हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे, एक खुश आदमी अपना दिन किवें बिताउंदा है। आंसर, ही स्पेंड हिज डे इन द स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक और इन द कंपनी ऑफ अ सम नोबल फ्रेंड, वह अपना दिन धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन नाल या किसी नेक मित्र की संगत विच बिताउंदा है। नंबर पांच आखिरी है, द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स ऑफ होप टू राइज और फीयर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसैल्फ थॉट नॉट फॉर लैंड्स नॉट हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, एक आदमी गुलाम बंधना तो मुक्त है, उठन की उम्मीद या डिगन का डर नहीं है, वह अपने आप का प्रभु भावें जमीना का नहीं पर अते कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ है। इसका पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, वट डज द पोइट मीन बाय दिस मैनो, एक मानो तो तुसी कवि का की भाव है। ही मीनस दैर द मैन हू वॉन्ट टू बी अ ट्रूली हैप्पी, उसका मतलब है वो आदमी जो सचमुच खुश रहना चाहता है। नंबर दो, वट डज द सर्वाइल बॉन्ड रैफर टू, सर्वाइल बॉन्ड की होंदा है। आंसर, द होप टू राइज एंड द फीयर टू फॉल हैव बिन कॉल्ड सर्वाइल बॉन्ड, उठन की उम्मीद और डिगन के डर न सर्वाइल बंधन या सेवा बंधन कहा गया है। आखिरी प्रश्न, एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, पौड़ी की आखिरी पंक्ति दी व्याख्या करो। आंसर, अ हैप्पी मैन मे नॉट बी अ मास्टर ऑफ लैंड्स बट ही इज अ मास्टर ऑफ हिमसैल्फ, डज ही मे हैव नथिंग येट ही हैज ऑल, खुशहाल आदमी जमीना का मालक नहीं हो सकता या नहीं होंदा पर वह अपने आप का मालक होंदा है, इस तरह उस कोल कुछ भी नहीं हुंदा फिर भी उस कोल सब कुछ हुंदा है। सो दोस्तों ए सी चैप्टर नंबर तीन जिहड़ी पोइम सी करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, ठीक है जी। मैं एक बार फिर दस दिंदा हाँ, इस तो पहले चैप्टर ते बनी वीडियो देखने नूं हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स च लिंक दिते हुए हैं, क्लिक करके देख सकते हो। इस तो बाद वाली वीडियो भी असीं पा रहे हैं हौली हौली करके, पर जेकर तुसीं पहलां पढ़ना चाहते हो तो साडी वैबसाइट है www.thepunjabiclass.com, उत्थे जाके भी तुसीं इस तो बाद वाले लैसन पहले वाले लैसन डाउनलोड करके आराम नाल बैठ के पढ़ सकते हो। इसे तरह ही दिते गए हैं, हर एक क्वेश्चन का अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है पंजाबी दे विच तुहाडी सहूलत दे लई। उम्मीद है
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।